दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है और ये गुरु प्रथा आजकल से नहीं बल्कि अनादि काल से चली आ रही है। दोस्तों, इंसान के जीवन में पांच गुरुओं का विशेष महत्व होता है। इनमें से प्रथम गुरु होता है जन्म देने वाला, जो हमारे माता पिता है। दूसरा गुरु होता है शिक्षा देने वाला, जो हम स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। तीसरा गुरु होता है संस्कार देने वाला, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर हमारे माता पिता होते हैं। चौथा गुरु जो हमें दीक्षा देता है, जिन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है। और पांचवा गुरु जीवन के अंत समय तक का होता है, जिनको हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता होता है। इसके अंदर हमारे दोस्त भी आ सकते हैं। अब दोस्तों, गुरु क्यों होना चाहिए? देखिए, बिना गुरु के तो हमें योग्य डिग्री भी नहीं मिलती। जब पढ़ने के लिए हमें गुरु की जरूरत है, वैसे ही मनुष्य जीवन में ईश्वर से जुड़ने के लिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के ईश्वर से जुड़ना असंभव है, लेकिन गुरु भी सिद्ध होना चाहिए जिन्होंने खुद ईश्वर का साक्षात्कार किया हो। प्रवचन देने वाला यानी कि हमारे जैसा कभी गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए तो संत कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, गुरु गोविंद दोनो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि अगर मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हो तो मैं सबसे पहले गुरु के चरणों में नमन करूंगा, क्योंकि गुरु के वजह से ही मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। केवल एक सिद्ध गुरु जो ईश्वर को जानता है, वही दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है। इंसान को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए। जो शिष्य निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है, वो उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठाने की सहायता करता है। क्योंकि गुरु एक सर्किट ब्रेकर की तरह है। जब हम जीवन की समस्याओं को संभाल नहीं सकते, तब गुरु आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं ताकि आप संतुलित रह सके। यदि कोई आपके साथ हो और लगातार इच्छाओं के लिए मजबूर कर रहा हो, तो गुरु आपको शांति प्रदान करते हैं। आप अपनी सभी समस्याएं और पीड़ा गुरु को समर्पित कर दो, गुरु आपको दिव्य चेतना की अनुभूति कराएंगे। दोस्तों, वैसे ही हमारे गुरु है जिनको दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, एक सगुण साकार और दूसरी निर्गुण निराकार। दोस्तों, हमारे गुरु के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वो एक साधारण से इंसान थे और रेलवे के डिपार्टमेंट में काम करते थे। तभी अचानक उनके मन में एक ऐसा डर बैठ गया था कि मैं अब मरने वाला हूँ, और इसी की वजह से वो दर दर भटकने लगे और गुरुओं के पास जाने लगे। तब जाकर एक गुरु ने उनको बताया कि अगर आपको इस डर से निकलना है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी डर को निकालने के लिए हमारे गुरु ने निरंतर इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके मन में से ये डर तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उनके मन में घबराहट होने लगती थी। इसी वजह से उन्होंने गुरु की खोज शुरू ही रखी। फिर उनको कोई दूसरा गुरु मिला जिन्होंने बताया कि आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तब हमारे गुरु ने गायत्री मंत्र का जाप करते करते सिद्धि प्राप्त कर ली। अब इन दोनों मंत्रों से उनको सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई। लेकिन अभी तक उनको ये मालूम नहीं था कि उनको सिद्धियां मिली है या नहीं मिली है। अचानक से एक दिन उनको राजस्थान में एक सिद्ध गुरु मिले जिन्होंने उनके बारे में बताया कि आपको दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। अब के बार मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ, जिस मंत्र को आप सिद्ध कीजिए और पूरे संसार में इस मंत्र को आपके द्वारा फैलाइए, जिससे समस्त संसार के मनुष्यों का जीवन कल्याणकारी हो। फिर गुरु ने इस दोनों सिद्धियों के साथ सिद्ध गुरु के बताए हुए मंत्र पर सिद्धियां प्राप्त कर ली। उनके बाद उन्होंने जो मंत्र दिया, जो दीक्षा दी, उनसे सभी मनुष्यों के जीवन में होने वाली तकलीफें, शारीरिक तकलीफें, आर्थिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, ये सभी तकलीफें दूर होने लगी। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे गुरु हैं जो एक सिद्ध पुरुष है, जिनके ऊपर ईश्वर की अपार शक्ति और करुणा है। अब हमारे गुरु जो दीक्षा के लिए मंत्र देने वाले हैं, उस मंत्र को आप हर रोज उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा में आप इस मंत्र को दीक्षा की तरह ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने जीवन में जो तकलीफें हैं उनको दूर कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मंत्र गुरु जी दे रहे हैं, वो मंत्र उनके मुख से दिया हुआ है और उनको सिद्धि प्राप्त है, इसलिए वो कार्य करता है। अगर आप अपने मुख से किसी और को वो मंत्र देंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा और इसका कोई लाभ भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि ये मंत्र जो गुरु देता है
वो ही सिद्ध होता है। और गुरु ने जो मंत्र दिया है, उन्होंने जो अपने मुख से मंत्र दिया है, उनको आपको याद रखना है पूरे जीवन भर के लिए। तो बिना कोई समय गवाए हमारे गुरु ने क्या बोला है और कौन सा मंत्र दिया है, उनका वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। योग कई तरह का होता है, जप योग, लय योग, ध्यान योग। मैं जिस योग की बात करता हूँ वो है सिद्धि योग। मैं तो आपको मंत्र दीक्षा दूंगा, उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। बाहर जिसको आप लोग पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। लोग कहते हैं कि इसको जागृत करने से आदमी पागल हो जाता है, मर जाता है। ये बात ठीक है उनकी, अठयोग से ऐसा आप नहीं कर सकते, मगर कोई गुरु समर्थ है और उस गुरु का आदेश है पीछे कि अब ये तरह काम करना है, तो फिर वो नुकसान नहीं करती और उसको कंट्रोल किए रहता है, चाहे वो विश्व के किसी से बैठा है, और वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर उठने लग जाती है। आपको केवल मेरा यहाँ ध्यान करना है, नाम जप करना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। वो कुंडलिनी शक्ति आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं कराएगी। उसी अंग की योगी क्रियाएं होगी जो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, इसलिए जितने बैठे हो उन सबको अलग अलग तरह की योगी क्रियाएं होगी। उस अंग विशेष को मतलब स्टिमुलेट किया जाएगा, टोनअप किया जाएगा, जब तक वो प्रॉपरली फिट नहीं होता है तब तक मूवमेंट होता रहेगा, एक्सरसाइजेज होती रहेगी, इससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा और अभी योग शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है और मुझे यहाँ देखना है, उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। एक बात ध्यान से सुन, मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो, आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। और मैं ध्यान करवाऊँ आपको, यहाँ मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊँ। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है, राउंड द क्लॉक किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप।